तो अभी मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कौन से मोबाइल से वीडियोस बनाता हूँ जिससे सारे व्लॉग्स एडिट भी होते हैं। ये देखो मोबाइल, ये वाला है मेरे पास, एडिट भी होते हैं और अपलोड भी इसी मोबाइल से होते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद जो सीन होगा वो सीन देखने वाला होगा। तो अभी ये वीडियो हो रही है 1080 फ्रेम में, 30 मेरे ख्याल में 30 फ्रेम रेट पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस टाइम। और इसके चेक करने लगे हम लोग, इसका कितना वाइड एंगल है, वाइड एंगल, अभी वाइड एंगल बैक कैमरा, ये मैंने तकरीबन ये इस तरह पकड़ा हुआ है, ये आप लोग देख रहे हैं, पूरी आर्म स्ट्रेच करो तो ये वाला रिजल्ट है और नॉर्मल ये है। तो अभी हम लोग बाहर हैं और सीन आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो सब लोग अपने कामों पर जा रहे हैं और हम लोग भी अपने काम पर ही जा रहे हैं क्योंकि फ़र्ज है ना, अदा करना पड़ता है। तो इसको मैं पकड़ के ले जा रहा हूँ, यार कुछ बोले ना इसको कि नमाज पढ़ी करें, मतलब को 5-10 मिनट का काम होता है और हम लोग नहीं पढ़ते, क्या करें। तो ये देखें आप लोग, ये दोपहर का माहौल है इस टाइम, कोई ना बंदा ना बंदे की जात। और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कैमरा भी टेस्ट कर ले, क्योंकि इसका 8 मेगापिक्सल रिजल्ट है। ओ ये लाइन गलत, 8 मेगापिक्सल का कैमरा तो इसका, क्योंकि 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और रिजल्ट जो है ना काफ़ी ऑसम है। अभी मैंने पीछे खड़े होकर जो पीछे वाले हम लोगों ने क्लिप लिए ना वो चेक किए हैं, मैं कहता हूँ काम जैसे जहन उलाबिदीन के व्लॉग्स देखते हैं आप लोग, देखते ही होंगे, जानते ही होंगे। तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा ही होगा रिजल्ट इसका, हैं ज़्यादा ही होगा, मेरे ख्याल में ज़्यादा ही होगा। अभी जैसे सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है ना, इससे जो कलर आते हैं ना पीले पीले, येलो फिनिश जो आती है वो काफ़ी आसम लगती है इस पर। यही चीज़ देखने के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं और ये जब फाइनल होगी वीडियो उसके बाद रिजल्ट देखेंगे। अभी तो कैमरा आगे है हमारे और स्क्रीन पीछे है। अभी आप देख सकते हैं कि लड़के का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भाई साहब। कॉन्फिडेंस लेवल तो है ही है आपके भाई का, कॉन्फिडेंस तो भाई है। और भाई आपके भाई में क्या चीज़ है कॉन्फिडेंस के अलावा। तो अभी करीब पहुंच गए हैं बिल्कुल मस्जिद के हम लोग, तो नमाज पढ़ के आप लोगों को साथ मुलाकात होगी सीधे ही। अभी अभी नमाज पढ़ के हम लोग अभी वापस आ रहे हैं और अभी जाना है, क्या करना है, गोड़ी खेलेगा, लूडो खेलेगा, लूडो खेलेंगे और उसके बाद का जो सीन होगा अभी हमें क्या मालूम क्या उसके बाद क्या होगा, जींदे ही हो जाए कि नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, ना पड़ा था ही ठीक है, ऐसे ही पकड़ना है ना। हाँ। भाई साहब मुझे ट्रेनिंग ले रहे हैं कि किस तरह से कैमरा पकड़ना है, इस तरह हो मतलब कि इस तरह, ये कैमरे का जो लेंस है ना हमारे इस जगह पर देखे तो एंगल सही होता है। अच्छा ठीक हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, पहले रोड पर जा रहे हैं, आगे भी पीछे रोड पर जा रहे हैं, आगे पीछे भी देखना है। भाई साहब मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं, पहले कभी मैंने बैक कैमरा से वीडियो नहीं रिकॉर्ड की तो थोड़ा मसला हो सकता है एंगल में। इसने भाई ने तो इसलिए वीडियो नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि वाइड एंगल का जो रिजल्ट है ना काफी ऑसम है, इसको पता नहीं था वाइड एंगल का रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यही समझ रहा था कि मुझसे एंगल फिट नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आ रही। तो आज आज अभी रिजल्ट चेक किए ना, मैं कहता हूँ का मक्खन मलाइया, आईफोन से भी आगे रिजल्ट अच्छा है। मैं कहता हूँ का आप रिकमेंड करेंगे व्लॉगिंग के लिए, कैसा है कैमरा, लेकिन डे लाइट में, लेकिन थोड़ा जब अंधेरा होता है ना तो फिर थोड़ा गड़बड़ी करने लग जाता है, लेकिन डे लाइट में ना एक नंबर, डे लाइट में तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, जब लाइट कम होती है ना बिल्कुल बेकार हो जाता है। क्योंकि इसका जो अपर्चर है ना वो थोड़ा ऊपर है, तो अगर जितना अपर्चर थोड़ा होता है कम होता है मतलब वो उतना ही उसकी लो लाइट कंडीशन में उसकी हालत ऐसी होती है कि जैसे फूल, और जैसे अंधेरे में फूल ऐसे हो जाते हैं उसी तरह वही। अभी हम पहुंच गए घर, यहाँ पर लूडो का पोका लगाते हैं। तो hours later. तो दिन में हमने आपको बता दिया कि इसका किस तरह का रिजल्ट होता है, तो आप लोगों ने चेक कर लिया। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, अंधेरा ही है, फ्लैश पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी शाम 6 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर इसका इस तरह का रिजल्ट होता है वाइड एंगल पर, आपको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।